गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये कोट करके लोगों ने भैया लोगों के फाइनेंशियली फिजिकली इमोशनली एक्सप्लॉइट किया। गुरु कभी रासलीला नहीं करते, जो गुरु रासलीला कर रहे हैं उनसे दीक्षा कहीं मत देना जी, ठीक है जी, ठीक है। भगवान कृष्ण पूजन भी है, नो डाउट, ऐसा नहीं इनकी पूजा नहीं करनी इनकी नहीं, ये पूजने भी हैं और भजने भी हैं। गुरु जो है भजनीय नहीं है, नहीं हम कि हम गुरु का नाम ले गुरु 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 एक तो हम बोले ना ये कृष्ण कृपा मूर्ति है, अच्छा तो कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब ये खुद ही को कृपा नहीं है, मतलब कृष्ण कृपा का नलका में लगा कर रखा है, ऑन करेंगे तुम बोल जाएगा मेरी कृपा कुछ नहीं है जी, कृष्ण भगवान की होती कृपा, देखो अपन ना होगा तो कोई कृपा है नहीं। एक्चुअली गुरु हैज गॉट हिज ओन मर्सी ऑल्सो। तो भक्तों का कल्याण करने के लिए कृष्ण हमारे बीच में गुरु के रूप में आते हैं। अभी जो वर्ड नॉन डिफरेंट है ना इज वेरी ट्रिकी, ये नॉन डिफरेंट, और इसके लिए आपने सुना होगा ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये कोट करके लोगों ने भैया लोगों के फाइनेंशियली फिजिकली इमोशनली एक्सप्लॉइट किया, कहते ये ब्रह्मा है ये विष्णु है ये परब्रह्म है साक्षात महेश्वर यही है, कहाँ जा रहे हो तुम प्रभु के पास। इसलिए ये गुरुजी बड़ी दुकान आजकल खूब चली हुई है, यानी मंदिर के अंदर सिर्फ गुरुजी की तस्वीर होती है, भगवान तो बेचारे कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सा कोटा लेके यहाँ दोबारों पर टंगे हुए बेचारे, एक्सेट मंदिर के अंदर जगह नहीं भगवान के लिए, क्यों तो यही है गुरु सब कुछ होते हैं। तो नॉन डिफरेंट भला क्या होता है, वट इज द मीनिंग दैट गुरु एंड कृष्णा आर नॉन डिफरेंट, क्या ये स्वरूप में नॉन डिफरेंट है? नो, ये स्वरूप में नॉन डिफरेंट नहीं है, सॉरी स्वरूप में देखा जाए तो कृष्ण अलग है, कृष्ण तत्व अलग है और गुरु तत्व अलग है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, ठीक है जी। अच्छा तो भला गुरु एक्चुअली है कौन? फर्स्टली गुरु इज मर्सी पर्सोनिफाइड, यानी कि भगवान की जो कृपा शक्ति है ना, जो कि भगवान की इंटरनल पोटेंसी का पार्ट है, उसका पर्सोनिफिकेशन है गुरु। नाउ व्हाट डज दैट मीन इंटरनल पोटेंसी, यानी कि भगवान के स्वरूप की ही शक्ति जो है उसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी। जैसे दूध की सफेदी उसकी इंटरनल क्वालिटी है, दूध जब गर्म होता है दूध गर्म हो रखा है दूध गर्म है, पर ये एक्वायर्ड क्वालिटी है, लेकिन जो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी वो क्या है सफेदी। सफेदी को दूसरा अलग नहीं कर सकते कि सफेदी अलग रखी है यहां ट्रांसपेरेंट दूध पड़ा है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि सफेदी उसकी उसका इनहेरेंट हिस्सा है, उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए कृपा शक्ति जो है भगवान के स्वरूप का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी शक्तिमान है और शक्ति है। तो इसलिए जब बोला जाता है नॉन डिफरेंट, इट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए वो, लेकिन हाँ लेकिन पोटेंसी पोटेंसी है, पोटेंट पोटेंट है। जैसे मेरी मसलर एनर्जी है जो मैं उठाऊंगा तो बोलेंगे ये तो अमोघ लीला प्रभु ने उठाया, उनकी और मसलर शक्ति में उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अंतर है। मसलर शक्ति है, मैं हूं, लेकिन ये मेरी इनहेरेंट पार्ट है इसका। मैं इसको टेबल में रख सकता कि मैं अपनी मसलर शक्ति को लेकर के टेबल में रख दूं, कहते जो काम करना है इसे करा दो हम ये नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए भगवान की इंटरनल पोटेंसी उनका इनहेरेंट हिस्सा है, नहीं फिर भी शक्ति भी है और शक्ति मान भी है, तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ठीक है जी। तो इसीलिए नॉन डिफरेंट का मतलब ये है। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, कि साक्षात हरि के समान है गुरु जो है वो साक्षात हरि के समान है, किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य, लेकिन शास्त्र में क्या है वो प्रभु के बहुत प्रिय है, यानी कि कृष्ण के इंटरनल सर्कल में है तो इसलिए फिर वो उन्हीं के समान काउंट हो जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन एक और जो चीज है कि गुरु जो है हमारे लिए गुरु भी है और कृष्ण भी है, ही इज जीवा, ही इज अ लिविंग एंटिटी, ही इज गॉड, ये दोनों में अंतर है। तो ये जीव तत्व एंड गॉड, ये भगवान, ये विष्णु तत्व है वास्तव में,
विष्णु तत्व, ये जो है ही इज अ जीवा, दैट मीन्स जीव तत्व का अंश है। इसमें लिबरेटेड जीव भी हो सकता है, ऑलरेडी लिबरेटेड है मतलब कि नित्य मुक्त है, या साधना सिद्ध भी हो सकता है। सो बोथ काइंड ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो कैन बी नित्य मुक्त और नित्य और सॉरी नित्य सिद्ध या फिर साधना सिद्ध। इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या अगर वो पूरा सिद्ध नहीं हुआ तो भी वो गुरु हो सकता, नहीं हो सकता लाइक दैट। क्या माते नित्य सिद्ध होता है माते, ऐसा नहीं कि इन्होंने साधना करके सिद्ध हुए हैं, ये हमेशा से सिद्ध थे। जैसे जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने ऐसा नहीं कि साधना की फिर वो फिर एक दिन सिद्ध बने। हनुमान जी शुरू से ही सिद्ध है, यशोदा मैया पहले से सिद्ध है, नंद महाराज सिद्ध है, राधा रानी सिद्ध है। ऐसे तो है नहीं राधा रानी हमारे बीच में थी कभी, ठीक है ना, उनका नाम चमेली था, फिर उन्होंने साधना की, साधना करके धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हुई, फिर एक दिन राधा रानी बन गई। जो कृष्ण के पार्षद हैं, जो इंटरनल पोटेंसी जीवा हैं, हमेशा से उनके साथ हैं, जो उनको सिद्ध होने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उनको बोलते हैं नित्य मुक्त जीव या नित्य सिद्ध जीव। और एक होते हैं जो साधना सिद्ध, यानी हमारे बीच में पहले वो गुरु जी रहे, उन्होंने अच्छे से साधना की, सिद्ध बने, देखे ना सभी कमाल गुरु। सो ही इज अ जीवा एंड ही इज विश्व, दैट इज हिज गॉड, ठीक है जी। साथ ही ये जो है भगवान की कृपा शक्ति, कृपा शक्ति भला क्या है, कृपा शक्ति किनकी है, कृष्ण की, कृष्ण कृपा शक्ति। सो दिस इज द क्वीन पोटेंसी कृपा शक्ति, और ये कृपा शक्ति धारक है या नियंत्रक है, ही कंट्रोल्स हिज मर्सी पोटेंसी। पर ये जो शक्ति होती है भगवान की, ये है क्वीन पोटेंसी। क्वीन पोटेंसी का मतलब है भगवान के अंदर और भी पोटेंसीज हैं, लेकिन उनमें जो क्वीन पोटेंसी दैट इज कृपा शक्ति। जैसे कोई राजा होता है ना, राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं, लेकिन उनमें एक महारानी होती है। अगर रानियां बहुत सारी इकट्ठी हो रखी हों, लेकिन महारानी जब आ रही होती है ना, तो सब बोलते रस्सा दो महारानी आ रही है। ऑल्दो ये भी रानियां हैं, लेकिन महारानी होती है। सो भगवान की जो कृपा शक्ति है इज अ क्वीन पोटेंसी। जैसे कि हम लोग दाऊद लीला पढ़ते हैं कि ना भगवान की एक शक्ति है सत्य संकल्प शक्ति, विच इज डिजायर पोटेंसी, भगवान की विलिंग विल करने की शक्ति। ऐसा ही होना चाहिए, ये भगवान की शक्ति है, लेकिन ये भी सबॉर्डिनेट हो जाती है कृपा शक्ति के। कृपा शक्ति ने बोलते नहीं, यशोदा मैया को नहीं, आपको बांधने का प्रयास कर रही है, आपको बांधना चाहिए। सत्य संकल्प शक्ति ने बोला नहीं, ऐसे कैसे कृष्ण बंध जाएंगे, कृष्ण कभी किसी नहीं बंधे, बड़े बड़े योगी नहीं बांध पाए, ये क्या यशोदा मैया बांधेंगे, नहीं नो। कृपा शक्ति ने बोला नहीं, यशोदा मैया इतनी मेहनत कर रही है, जस्ट सी इतना स्वेटिंग हो रखी है उनको, उन्हें सारी साड़ी भीगी हुई है पसीने से, कृष्णा शुड गेट बाउंड, मर्सी पोटेंसी। सो अल्टीमेटली भगवान की सत्य संकल्प शक्ति ने भी किसका कहना माना, कृपा शक्ति का, यस, ठीक है जी। तो इसलिए गुरु और कृष्ण में अंतर भी है, गुरु कभी रासलीला नहीं करते, जो गुरु रासलीला कर रहे हैं उनसे दीक्षा कहीं मत देना जी, ठीक है जी, नेवर। सो ही डज रासलीला, वो नॉन डिफरेंट है, तो ये भी लीला करते हैं, रासलीला करते हैं। सो नॉन डिफरेंट, वो तत्व में नहीं है, तत्व में वो अलग पर्सनैलिटी है, यस yes। ये है वास्तव में सेव्य भगवान और ये है सेवक भगवान। पर बोलते हैं सेवक भगवान, दैट मीन्स सर्वेंट गॉड। अब देखो जी स्मॉल बनाया मैंने यहां पर, ठीक है नहीं, एंड सेव्य भगवान द वर्शिप वर्शिपेबल लॉर्ड। यहां जी मैंने कैपिटल बनाया, सो ही इज स्मॉल जी एंड ही इज कैपिटल जी, ठीक है जी। तो इसीलिए साक्षात हरि का मतलब ये नहीं कि जैसे आई बस हियरिंग समवन ही सेड, हम जब कभी गुरु को देखें ये माने गोपाल ही हैं, ये कृष्ण ही हैं जो हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। ये गोपाल की या कृष्ण की वास्तव में कृपा शक्ति है जो हमारे बीच में चल फिर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी से हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्णास डिवाइन ग्रेस इज वॉकिंग, कृष्णास डिवाइन ग्रेस
is eating. Krishna's divine grace is speaking. Krishna's divine grace. Krishna Kripa Shri Murti Srila Prabhupada. So that's also a difference between Guru and Krishna. Okay, in terms of Tattva, He is greater in Tattva. But in Rasa, Ras ki drishti se dekha jaye, then He is greater. Kyun? Because He even controls Him. अगर गुरु ने सोच लिया इसको भक्ति मिलनी चाहिए और कृष्ण बोले नहीं ये तो बहुत नालायक है और गुरु बोले नहीं मैं चाहता हूं आप इसको कृपा दो प्लीज गिव हिम मर्सी सो ही कंट्रोल्स हिम आउट ऑफ लव सो रस की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है जैसे सोने हजर महाराज है ना वो क्या करते नाम से बड़ा हरि से बड़ा है हरि का नाम और हरि के नाम से बड़ा है हरि के नाम को देने वाला सो इसे श्रेष्ठ स्थान है बल्कि ऐसा एक समय प्रभुपाद जी थे उनका एक शिष्य था ही वाज डूइंग गायत्री प्रभुपाद जी बगल से निकले और वो गायत्री करता रहा प्रभुपाद जी आगे बढ़े प्रभुपाद ने बोला शिष्य को ही विल फॉल डाउन वो गायत्री करने वाले ने सुन लिया वो गायत्री वहीं छोड़ दी उसके कहता प्रभुपाद यू आई फॉल डाउन बट व्हाई आप ही ने तो गायत्री दी है मेरे को मैं वही तो कर रहा था प्रभुपाद जी ने बोला जिसने गायत्री दी है जब तुम उसको रिगार्ड नहीं कर रहे सो दैट्स व्हाई यू विल फॉल डाउन So greater than Gayatri is the giver of the Gayatri. तो कभी ऐसा हो कि आपने कोई अगर गायत्री कर रहा है जपा कर रहा है ठीक है गुरु पास से आ रहे हैं निकल रहे हैं और हम बैठ के जपा करें मेरे को माला करनी जरूरी है गलत है वहीं उठ के जाना चाहिए माला छोड़ दो महाराज मेरे को सेवा है दिस इज एटिकेट पर जो इमोशनली जो इमेच्योर होगा स्पिरिचुअल इमेच्योर होगा ना वो बैठा रहेगा जपा करता रहेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे महाराज जी आए ये नौ सखे है ये नौ सखे है जो मैच्योर होगा वो यार यस इसको बोलते हैं विश्रम भेना गुरु सेवा इंटीमेट सर्विस टू गुरु इज दिस विश्रम भेना गुरु सेवा इज सो ग्रेट दैट श्री रूप गोस्वामी सेज अगर कि कोई भक्त का साधना नहीं करता पर साधना उसकी प्लस माइनस हो जाती है कभी 16 हुई कभी नहीं हुई पर वो इंटीमेटली सर्व करता है गुरु को सिद्ध हो जाएगा बट गुरु के सिवा इतनी ऊंची बताई गई है सो इसलिए रस की दृष्टि श्रेष्ठ है इन द सेंस ही कंट्रोल्स कृष्णा लाइक दैट सो इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतो भी रीजन बीइंग अगर कृष्ण की कृपा नहीं है पर गुरु की कृपा है ही वुड बी सेव्ड पर अगर गुरु की कृपा नहीं है कृष्ण की कृपा है कृष्ण अपनी कृपा विड्रॉ कर लेते हैं That's why there comes the example of the sun and the lotus. अगर सूरज है और यहां पर कमल खिला हुआ है अगर तो कमल is nourished by the sun till the time the lotus is in the water. पर यही मैं अगर पानी से अलग करके ना यहां पर ले आऊं अगर लैंड पे ले आऊं यहां पर कमल को ले आऊं अगर कमल सूख जाएगा So what is this? This is गुरु This is कृष्णा अगर गुरु का ग्रेस है यानी पानी तो कृष्ण का ग्रेस क्या करेगा डिसाइपल को खिला देगा डिसाइपल सोचा अरे मुझे पानी की जरूरत नहीं है सूरज है ना मेरे पास तो कोई मेरे बेटा तो यहां लेके जाते हैं हम यहां पर क्या होगा ये इसकी भुर्जी बन जाएगी यहां पर इसकी तो वही सूरज जो नरिश करता है वही सूरज जला देगा अगर मैं गुरु की कृपा से अलग हूं तो ठीक है शांत हुआ एकदम से कभी कभी क्या है शोर की आदत में लगता है कि शायद ये नॉर्मल है शांति लगे ओके सो दैट्स व्हाई गुरुज मर्सी इज लाइक वॉटर ठीक है जी सो तो इसलिए डिसाइपल को चाहिए अगर खिलना चाहता है वो तो पानी के संपर्क में रहेगा और वो सूर्य संपर्क में रहेगा दोनों And then this will blossom. So bhakti then it will blossom. So both are required. Isme Prabhupada ji ne bhakt se pucha ki Guru Ashtakam mein what is your favorite stanza? Usne bola Shri Prabhupada Shri Radhika Madhav Yor Aparo Madhurya Leela Guna Roopa Naam Naam. That's my favorite. Prabhupada ne kaha wow nice.
तो भक्त वर्षिप बोल व्हाट इज योर फेवरेट. प्रभुपाद ने बोला माय फेवरेट इज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि. दिस इज माय फेवरेट. और किसी भी चीज में ना वी कीप द बेस्ट इन द लास्ट. द बेस्ट पार्ट ऑफ गुरु अष्टकम इज इन द लास्ट स्टैंजा कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि. व्हिच आल्सो मींस दैट देयर आर टू ग्रेस. एक तो हम बोले ना ये कृष्ण कृपा मूर्ति है. अच्छा तो कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब ये खुद ही को कृपा नहीं है. मतलब कृष्ण कृपा का नलका में लगा कर रखा है, ऑन करेंगे तुम बोल जाएगा मेरी कृपा कुछ नहीं है जी, कृष्ण भगवान की होती कृपा, देखो अब ना होगा तो कोई कृपा है नहीं. एक्चुअली गुरु हैज गॉट हिज ओन मर्सी ऑल्सो. गुरु हैज गॉट हिज ओन मर्सी ऑल्सो. गुरु बाय हिज मर्सी कनेक्ट्स द डिसाइपल टू हिज मर्सी प्लस कृष्णस मर्सी. मतलब कृष्ण की मर्सी जो है फॉलो करती है गुरुस मर्सी. Like when Krishna, he would crawl in Vrindavan, he would see where Balram is crawling. जहाँ बलराम क्रॉल करते थे जो उनके फुटप्रिंट्स हैं कृष्ण वहीं क्रॉल करते हैं. सो जहाँ गुरु की कृपा है पीछे पीछे कृष्ण कृपा आती है. Like that. So इस तरह से this is गुरु तत्व. So in the sense, गुरुन plural भी यहाँ लगे but we should know that non different from Krishna. But non different का मतलब क्या पर क्या है? Not different मतलब different. डिफरेंट भी है नॉन डिफरेंट भी है. लाइक दैट व्हिच आल्सो मींस कि गुरु जो है हमारे लिए पूजनीय है, कृष्ण हमारे लिए भजनीय है. ठीक है, भगवान कृष्ण पूजनीय भी है नो डाउट, ऐसा नहीं इनकी पूजा नहीं करनी इनकी नहीं, ये पूजनीय भी है और भजनीय भी है. गुरु जो है भजनीय नहीं है. नहीं हम कि हम गुरु का नाम ले गुरु 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 जी का नाम लेता हूँ मैं. जैसे कई ऐसे धर्म हैं जो गुरु के नाम की माला जपते हैं. ठीक है जी, बट एक्चुअली गुरु ने ये नहीं बोला था तो मेरा नाम जपो. प्रभुपाद जी ने बोला इस बात को हाईलाइट करते हुए, आई नेवर टोल्ड यू टू चैंट भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी, आई टोल्ड यू टू चैंट हरे कृष्ण. जैसे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपने स्वामी जी का ही नाम लेती हैं. ठीक है जी, मैं नाम नहीं लूंगा एकदम कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है. पर गुरु हमारे लिए पूजनीय है लेकिन गुरु हमारे लिए भजनीय नहीं है. वी डोंट डू भजन ऑफ गुरुज नेम. भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी जय मेरे गुरु महाराज जय मेरे गुरु महाराज. वी डोंट डू भजन ऑफ गुरु. हम गुरु की सेवा करते हैं नो डाउट वी डू सेवा. बट यस कृष्ण हमारे लिए पूजन भी है एज वी डू डीटी वर्शिप वी डू दैट. साथ ही भजन भी है बिकॉज उनका नाम लेते हैं उनकी और सेवा भी करते हैं. लाइक दैट. तो ये भी अंतर आता है गुरु में और कृष्ण के अंदर. दोनों में अंतर भी है. सो जो नॉन डिफरेंट है वो समझना हमें दिव्यता की दृष्टि से. दिव्यता की दृष्टि से वो एक ही है. ठीक है, किस किस चीजों में एक आते हैं वो, दे आर वन. सो गुरु एंड कृष्णा दे आर वन इन हार्ट, दे आर वन इन डिजायर्स, दे आर वन इन प्योरिटी, दे आर वन इन ट्रांसेंडेंटल नेचर. ये भी दिव्य है ये भी दिव्य है लेकिन दोनों की दिव्यता में भी अंतर है. ओके, दोनों की दिव्यता में अंतर है. इन द सेंस दोनों ही दिव्य हैं पर जो गुरु है वो भक्त वाले दिव्य हैं और कृष्ण भगवत तत्व में दिव्य हैं उस तरह से. बट दे आर वन इन डिजायर, दैट मीन कृष्ण की इच्छा गुरु की इच्छा सेम होती है. जैसे कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी भगवान हमसे खुश है कि नहीं है, कैसे पता करें? डीटी तो देखा आज मुस्कुरा रहे नहीं मुस्कुरा रहे. कभी लोग करते हैं आज कृष्ण देखे मुस्कुराए तो देखा तूने व्हाट अ स्माइल कृष्ण हैड, फिर देखो स्माइल गर्ल एकदम से नाराज क्यों हो गए? क्योंकि ये हमारी कल्पना है, ये हमारी कल्पना है. अगर हमारे गुरुजन खुश हैं, अगर वैष्णव हमसे खुश हैं, इसका मतलब कृष्ण भी हमसे खुश है. बिकॉज दे आर वन इन हार्ट, दे हैव वन डिजायर. डिजायर उनकी एक ही है, हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, यही उनकी इच्छा है. लाइक दैट. तो हम जब इस तरह की चीजें बोलते हैं ना दैट ही इज साक्षात हरि त्वेना, इसका मतलब वो कृष्ण के समान पूजनीय है वंदनीय है. दैट्स अ थिंग. जैसे कोई बोलता है ना ये आदमी यार शेर आदमी है भाई. शेर आदमी का मतलब ये नहीं कि उसके क्लॉज हैं, उसकी मूछें हैं और उसके दांत बाहर है, ऐसा करता है वो. शेर आदमी का मतलब क्या है? ही इज एज ब्रेव एज लायन. ये मतलब है
शेर होने का, नॉट दिया जॉन ऑर्डर की वो लिटरली शेर ही हो गया वो, कि एक वो पूर्णिमा की रात थी और वहां बादल आए कुछ और फिर धीरे धीरे करके उसके फिर नाखून वगैरह निकले और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी टक 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 टक, अरे भाई वुल्फ मैन. सो इट डजंट मीन दैट, सो इट मीन्स दैट ही इज एज ब्रेव एज लायन. सो सिमिलरली व्हेन यू से साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र, इट मीन्स गुरु इज एज प्योर एज कृष्णा, वैसे हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं हमारे लिए गुरु, दैट्स द मीनिंग. ठीक है जी. सो नॉन डिफरेंट इज दैट्स द पिवट पॉइंट तत्व को समझने का. इसमें क्या है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं. इसमें अगर गुरु को हम कृष्ण से बिल्कुल अलग समझ लेंगे ना अगर, सो हम गुरु को नेगेटिवली जज भी कर सकते हैं. लेकिन सी गुरु, ये गुरु भी गमछा बांधते हैं, गुरु भी सो पेट खाली करने जाते हैं, ठीक है, और अगर अंदर दरवाजा बंद होता है, हरी बोल हरी बोल, हेलो गुरु जी हम भी ऐसे करते हैं, या हमने रात को सोते हुए देख लिया अगर वो भी सो रहे हैं, अरे तो कराटे मारते हैं, हम भी कराटे मारते हैं, सेम सेम, ठीक है जी, वो भी खा रहे हैं, वो भी डका ले रहे हैं, थोड़ा कायम छोड़ दो, थोड़ा काम छोड़ने को, अरे ये भी कायम छोड़, हम भी कायम छोड़, सेम सेम. तो अगर हमने गुरु को कृष्ण से एकदम अलग लेके चलेंगे, देन वी कैन बिकम नेगेटिवली जजमेंटल टू गुरु. दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमने गुरु को भगवान ही मान लिया, हमको ये गुरु भगवान, हम देखा कई बार बाहर के लोग बोलते हैं गुरु जी भगवान की जय, हमारे यहां पर आए हूं एक दो बार गुरु भगवान की जय, और वो भी मना नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे होते हैं और तारीफ भी ऐसे करेंगे, गुरु भगवान है नहीं भैया, गुरु भगवान नहीं होते, गुरु भगवान प्रतिनिधि हैं उनके इनर सर्कल में. तो नॉन डिफरेंट इज वेरी ट्रिकी थिंग. ना ये वाली एक्सट्रीम ठीक है, ना ये वाली एक्सट्रीम ठीक है, कि कृष्ण से बिल्कुल ही अलग है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, और दूसरी एक्सट्रीम वो साक्षात कृष्ण ही है, नहीं, इन बिटवीन है वो, ही इज कृपा शक्ति.